हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं और अजिंक्य नहीं, मैत्रेय और उसका दोस्त भी है साथ में। हम लोग राइड पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मुरुड। इट्स 6:55 इन द मॉर्निंग। टाइम था 6 बजे का, लेकिन अभी तक मैत्रेय आया नहीं है, तो उसकी इंतजार में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। यूजुअली करत ना है ना, कभी ये आया अभी इतना टाइम से। सर लोगों को बताइए आप लेट क्यों है, जनता जानना चाहती है। अभी का जो अपडेट है वो ऐसा है कि हमारे साथ जो राइडर ज्वाइन होने वाला था उसकी गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है, और हम लोग 1 घंटे से ये बस स्टॉप जो दिख रहा है आपको, इधर बस स्टॉप है तो उधर ही बैठे थे। अभी हम लोग उसके घर पे जा रहे हैं, उसको धक्का विक्का कुछ भी करके गाड़ी चालू करके उसको लेके जाने वाले। सो लेट्स गो देयर एंड देखते हैं और कितना टाइम लगता है। इसकी बाइक चालू नहीं हो रही है, सो धक्का स्टार्ट हो रहा है अभी। ही इज विकी बाय द वे। और यस, स्टार्ट हो चुकी है। गुड वर्क, गुड वर्क। चलो अभी निकलते हैं फटफट। तो मैं कहीं तो रुक गया हूँ। ये जो टर्न है ये लेफ्ट अगर लोगे वाया कलमबोली आके तो पनवेल साइड जाता है, और पीछे साइड जो रोड जा रहा है वो जाएगा जे एन सिटी। बात ऐसी है कि मेरा कैमरा बंद है, इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, हैंग हो रहा है। और दूसरी बात, मतलब ये लोग पीछे या तो आगे चले गए, तो आई एम वेटिंग और फ़ोन कर रहा हूँ उनको कि कहाँ पे हो, लोकेशन बता तो मैं वहाँ पे आता हूँ, या पीछे हो तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। एंड यस, एवरीथिंग इज गेटिंग लेट आज, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बोर हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग अलीबाग के रोड पे है, गोवा हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे। और ये लोग बहुत आगे चले गए थे, इनको लगा मैं आगे गया इसके लिए ये आगे निकल गए। इनफैक्ट मैं रुका था साइड में, कैमरा की जो बैटरी है वो निकाल के फिर से डाल रहा था, क्योंकि हैंग हो रहा है कैमरा बहुत बार। बट अभी नसीब से चल रहा है, इसके लिए चल रहा है। देखो 8:12 नाउ, 8:12, और अभी तक हम लोग कहीं पे भी नहीं है। मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था, वी वेर सपोज टू रीच एट 9 एट मुरुड जंजीरा, लेकिन हम लोग अभी भी यहीं पे हैं, बहुत टाइम के पीछे चल रहे हैं। और तो क्या, मज़े आ रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आएगा, ये सब एक्सपीरियंस के तौर पे अपनी एक मेमोरी बन जाएगी। आप ये हाथ जो कैमरा के पास देख रहे हो वो इसके लिए लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कैमरा चालू है कि नहीं, क्योंकि बार बार हैंग हो रहा है, तो कभी भी मैं बक बक करते रह जाता हूँ और कैमरा बंद पड़ जाता है। यस, और 17 तारीख तक बारिश बोली थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने बोला जाओ राइड करके आओ एकदम मस्त, मैं तुमको आज तकलीफ नहीं दूंगा। वीही गाँव जैसा, वीही गाँव में जो धूप लगी थी अभी भी लग सकती है, 12-1 बजे बता नहीं सकते। आज जो सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए वो था बैग पैकिंग, और उसके बाद बैग माउंटिंग, क्योंकि मेरी बैग जो है तो आज बहुत बड़ी साइज है उसकी, इसके लिए फिर मेरे को प्रॉपरली एंड सेफली उसको बांधना पड़ा। और उसके ऊपर अभी मैंने ट्राईपॉड भी मंगाया था मैत्रेय से, तो उसका भी ट्राईपॉड मेरे बैग के ऊपर है, सो आई हैव टू गो सेफली प्रॉपरली और आना भी प्रॉपरली। यस, मज़ा आ रहा है।
जो हाईवे है इसका काम बहुत दिनों से चल रहा है, इनफैक्ट बहुत महीनों से चल रहा है, और न्यूज़ में या फिर यूट्यूब में कभी कभी मालूम पड़ता था कि हाँ अभी इतना काम हुआ है, उतना काम बाकी है। एंड एक बात बोलता हूँ कि ये रास्ता कहीं कहीं पे बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं कहीं पे ऐसे पैचेस भी हमें मिलने वाले हैं। तो कुछ भी करके हमको जो गंदा पैच है वो रिटर्न आते समय दिन में या डे लाइट में करना है, 6 बजे तक कर सकते हम लोग, क्योंकि अंधेरे में फिर प्रॉब्लम होती है एंड वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम और एनी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं कोई तो होटल में, एग्जैक्ट नाम नहीं पड़ा मैंने अभी तक, शालीमार में हम लोग रुके हैं। रास्ते इतने अच्छे कि मतलब बम की पूरी वाट लग गई है हमारे, इसके लिए अभी ब्रेक लेना मैंडेटरी था। और अभी ये एज यूजुअल तीसरे राइड है, तीसरी बार चाय बना के लाया है घर से, यहाँ पे मिसल पाव, हाँ मिसल पाव ऑर्डर किया है, बिस्किट्स, अभी चाय नाश्ता और उसके बाद आगे निकलेंगे। और फॉर्चुनेटली मेरा जो एक्शन कैमरा है वो भी चल रहा है, यस चल रहा है फाइनली। तो फाइनली अभी नाश्ता हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं। आगे के रोड कुछ हद तक बेकार है, उसके बाद फिर थोड़े ढंग के रोड है, देखते हैं। होप सो अभी से रास्ते अच्छे रहेंगे आगे। अभी तो कुछ आधा किलोमीटर हो गया है तो कोई भी गंदा पैच मिला नहीं है, बट होप सो ऐसा ही रास्ता रहे आगे। एंड यस वी आर एंजॉइंग द राइड। और जिस गंदे पैच की बात की मैंने, लो आपके सामने पेश है। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया है 2 मिनट के लिए, रास्ते बहुत बहुत खराब है, बहुत मतलब सच्ची में बोलते हैं ना, पूरा शरीर के जो भी नट बोल्ट है सब हिल जाते हैं। और बस यही एक प्रॉब्लम है, वेदर अच्छा है, रोड सिर्फ खराब है, आगे जाके बीच वगैरह देखेंगे तो ये सब भूल जाएंगे। तो जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे एक जन ने हमें बताया कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। और ओके तो ये अंकल ने हमें ये रोड बताया है यहाँ से जाना है करके, एंड आई गेस मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ। और फिर से हम लोग यू टर्न मार के 6 किलोमीटर आके अभी लेफ्ट जा रहे हैं, और शायद से ये रास्ता भी ख़राब है ऐसा उनका कहना है। तो देखते हैं, अभी तो अच्छा रास्ता दिख रहा है, बट बोला ना आपको हमेशा अच्छे रास्ते भी आगे चल के ख़राब हो ही जाते हैं। हम लोग अभी रोहा में पहुंच चुके हैं। मेरा जो कैमरा था मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ बाद में, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और अभी और कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा, बट कोई नहीं, हम लोग कोस्टल रोड से जाएंगे, थोड़ा अंदर से ही जा रहे हैं, और कोस्टल रोड थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन उसी में मज़ा है।
से हम लोग जाने वाले हैं, तो कंटिन्यू तो चल रही है, अभी 2 मिनट का फिर से ब्रेक लिया है रिलैक्स होने के लिए. जंजीरा फोर्ट तो इतना अच्छा लग रहा है आपने आके, सीरियसली ऐसा लग रहा है स्टे करूं लेकिन नहीं कर सकते, क्या करें. सो गाइस फाइनली हम लोग मुरुड जंजीरा पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और अभी खाना खाने के लिए आए हैं पाटिल होटल, कुछ तो नाम है ऐसा. बहुत मस्त व्यू है, बहुत अच्छा वेदर भी है आज स्पेशली. हमेशा मैं धूप की कंप्लेंट करता हूँ तो आज भगवान ने बोला नहीं है धूप, आज जाओ एंजॉय कर लो अपना दिन. हम लोग हैं अभी मुरुड में, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो रहा था बार बार, उसके बाद गलत रास्ते पे चले जा रहे थे. अभी 3:15 बज रहे हैं एंड हमको 5 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि आखिर में जो रास्ते है आखिर बीच में स्टार्टिंग में तो वो बहुत ख़राब है, तो हमको अंधेरे के पहले कर लेना है, तो ऐसा ध्यान में रखते हुए हम लोग जाएंगे. बाय द वे अजिंक्य किधर है? अजिंक्य हाथ धो रहे हैं. मैत्रेय कैसा था एक्सपीरियंस? ऑसम एक्सपीरियंस है, बहुत जगह अच्छा है, बहुत सुपर्ब है. रोड का एक्सपीरियंस? अरे रोड जैसा रोड बोला ना मेरा हाथ इधर जाता है, देखो मैं सच बता रहा, झूठ नहीं बोलूंगा. रोड का एक्सपीरियंस बहुत टफ था, मतलब जिस रास्ते से अपन जो आए थे यार, ठीक है अभी एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया. हाँ, एक एक्सपीरियंस के तौर पे हो गया. हाँ, बहुत अच्छा था. विकी थोड़ा ऑफ रोड, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ रोड? रास्ते है ही नहीं मतलब. और कभी कभी ये भी नोटिस किया हमने कि गांव जब आता है तब अच्छे रास्ते आते हैं, 1 सेकंड की खुशी रहती है सिर्फ, वो बाद में फिर से गांव खत्म, रास्ते भी खत्म. यहाँ पे हमारा खाना आएगा और यहाँ से दिख रहा है पूरा बीच. जस्ट अभी खाना खाके हो चुका है, अभी फोटो निकालने बाइक के साथ बीच पे जाके सेफली. तो आगे से रास्ता है ऐसा होटल वालों ने बोला है, तो देखते जाते हैं फोटो निकाल दे. पेट इतना भर गया है, उसमें दाल राइस खाया है हमने, तो अभी नींद आने के चांसेस है, बट होपफुली ना आए. मज़ा आ गया लेकिन आज. तो भाई यहाँ पे आके हम लोग को बीच पे अलाउड नहीं था फोटो खींचना, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है नो बाइक्स एंड कार्स अलाउड ऑन द बीच. इसके लिए हम लोग ने बाइक यहाँ पे बाहर ही लगा दिए, पर्सनल फोटोज खींचे, इंस्टाग्राम पे है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट. अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड यस अभी फिर से बम की वाट लगने वाली है, सो वी आर रेडी फॉर दैट. क्योंकि यहाँ पे आराम किया हमने, थोड़ा खाना वगैरह खाया, टाइम पास किया, बहुत बड़ा एक डिस्कशन किया, वो आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा लेकिन वो सस्पेंस रहेगा अगले साल तक. सो लेट्स गो नाउ. आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है जेएनपीटी पनवेल वाला,
जो डायरेक्टली लोनावाला ओल्ड हाईवे पे कनेक्ट होता है, तो सुबह मैं इसी रोड से जा रहा था और मुझे लेना था एक लेफ्ट डाइवर्जन, लेकिन वो मैंने मिस किया और मैं जब सीधा गया तो कनेक्ट हुआ सीधा अपना ओल्ड हाईवे पे, पुणे हाईवे पे। तो आगे जाके फिर से यू टर्न लेके फिर यहाँ पे आना पड़ा। तो ये अभी नया वाला ब्रिज है, आगे तक जो कनेक्ट हुआ है जिसका काम चालू था वो पूरा हो गया है। तो कभी भी आप अगर नए हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो अलीबाग या गोवा साइड, तो वो टर्न मिस मत करना, नहीं तो आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग खारघर पहुंच चुके हैं, इट्स 10:15 नाउ। विकी भी आ गया, कसम से यार विकी की गाड़ी बहुत पहले करनाला के पास बंद पड़ गई थी, पेट्रोल खत्म हो गया था शायद, इसके लिए वो लेट आया, रुका नहीं। एंड अभी यहाँ से हम लोग घर पे जाएंगे। मैं हर एक को अभी एक्सपीरियंस पूछ के बता दूँ कैसा लगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अजिंक्य? रोड डेंजर जाते टाइम, थोड़ा अच्छा था मौसम भी, आते वक्त बहुत अच्छा था, जाते वक्त भी अच्छा था, धूप नहीं निकली। मैं बहुत कंप्लेंट करता हूँ धूप है। नहीं सर, कहाँ पे रह गए थे आप? करनाला। क्या हो गया था? एक लेसन मिला ये जर्नी से, और आने वाले जर्नी के लिए एक बोलते ना क्या, आने वाले चीजें जर्नी में क्या क्या कर सकते हैं ये समझ में आया। देखो हमें हमेशा जब हम राइड करते हैं ना, वैसे तो राइड के बाद ही अगले दिन हम लोग डिसाइड करते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ पे करनी है, लेकिन हर एक जर्नी में हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और वो हम अगले राइड में, मतलब जो भी आने वाली राइड रहती है उसमें हम लोग इम्प्रूव करते ही है। तो सेफ्टी, बट दिस वाज वन ऑफ द एपिक राइड आई गेस। या जाते वक्त रास्ते बहुत खराब थे, बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन हुआ, रास्ते मालूम नहीं थे। आज का ट्रिप वाज कंप्लीट ऑफ रोड, फुल ऑफ रोड, फुल ऑफ रोड। आते वक्त रास्ते बहुत अच्छे थे, बीच बीच में गंदे पैच थे, लेकिन मस्त था। वहां से जब आप रिटर्न आते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ बीच, साइलेंस, पीस यही चलता रहता है, बाकी कुछ भी नहीं। और आज बहुत मैंने इसको सताया, बहुत सताया, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने, सबको वर्थ है, बाइक वर्थ है, सीरियसली। मतलब रास्ते कैसे भी रहे, कुछ भी रहे, कोई लेना देना नहीं, चलती है और रोड को चिपक के चलती है मेन। मतलब अगर कुछ बम्प होता है तो हवे में उड़ के इधर इधर हिलती नहीं है, नॉर्मली जो लाइट वेट बाइक रहते हैं ना वो हिल जाते हैं, बट दिस इज ऑल राउंडर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, यहाँ तक देखने के बाद सब्सक्राइब तो बनता है, और सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।